2015 में नेपाल में जब भूकंप आया था तो पशुपतिनाथ टेंपल के अलावा एक और प्लेस था जहां ऐसे खतरनाक भूकंप के झटके का कोई असर नहीं हुआ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुमारी घर की। ये एक ऐसा महल है जहां जीती जागती माँ दुर्गा की रूप कुमारी देवी रहती है, जिसे नेपाल के लोग पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं तस्वीरों और मंदिरों के, लेकिन नेपाल में जीती जागती देवी माँ का पूजा होता है। नेपाल के लोगों का ऐसा मानना है कुमारी देवी हर वक्त नेपाल को प्रोटेक्ट करती हैं। आखिर कौन है कुमारी देवी और कैसे बरसों से नेपाल को प्रोटेक्ट करते आ रही हैं? क्यों कुमारी देवी को माँ दुर्गा का रूप बोला जाता है और कैसे बनी कुमारी देवी नेपाल की गॉड? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है मुझसे कहीं कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाए नाम प्रोनाउंस करने में। अगर ऐसा गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही कर देना और मुझे माफ़ कर देना कि मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे हो सकती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिविंग गॉडेस कुमारी देवी को और भी करीब से जानने के लिए मैं पहुंचा काठमांडू सिटी। यहां पहुंचते ही मैं कुमारी देवी का भव्य महल देखा जिसके अंदर जीती जागती देवी माँ रहती हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुमारी घर। इसी घर के अंदर कुमारी रहती है और यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा अभी क्राउड है। यहाँ के लोकल लोगों से मैं कुमारी देवी के बारे में बातें किया और कुछ जानकारी इकट्ठा किया। हालांकि यहाँ आने से कई महीने पहले मैं रिसर्च कर रहा था। 5 साल की छोटी बच्ची जो खेलने कूदने में मगन रहती है, एक दिन उस बच्ची को रातों रात उठा लिया जाता है, अपने माँ बाप से अलग कर दिया जाता है और रोती बिलखती बच्ची को कुछ समझ नहीं आता है कि उसे क्यों अपने परिवार से दूर लेके जाया जा रहा है। जब बच्ची का आँख खुलता है वो खुद को एक अंधेरे से महल में पाती है। इस अंधेरे में बच्ची डर से घबरा जाती है। तभी बच्ची को एक सामने इंसान दिखता है। उस इंसान के आंखों में पट्टी बंधा हुआ होता है और वो इंसान धीरे धीरे मंत्रों का जाप कर रहा होता है। तभी बच्ची को अचानक से अपने शरीर में अलग से एक शक्ति महसूस होने लगता है और धीरे धीरे इस बच्ची का डर और घबराहट मानो गायब हो गया हो। और ये बच्ची उस इंसान से जो सामने पुजारी होता है उससे पूछ पड़ती है कि अचानक से ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे एक अलग सी ताकत का महसूस हो रहा है, जैसे मानो मेरे अंदर तेजी से शक्तियाँ आ रही हो। तभी जो सामने पुजारी होते हैं वो अपने आंखों के पट्टी को धीरे धीरे खोलते हैं और बोल पड़ते हैं, ये माता दुर्गा की शक्तियाँ हैं जो अब तुम्हारे अंदर है। आज से तुम इस महल की कुमारी हो और माँ दुर्गा की जीती जागती रूप। We kumari, there are a lot of kumaris as a whole, all over different places, kind of like portrayed as the protector deity of the city. And for Kathmandu, the main deity, main kumari is the royal kumari. We call her the royal kumari. And she, her residence is over here. मुझे और भी करीब से जाना था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कुमारी देवी बनने का प्रोसेस क्या है। मैं कुछ रिसर्च किया और यहाँ के कुछ लोगों से पूछा आखिर ये ट्रेडिशन की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। आज से बहुत साल पहले नेपाल का एक राजा था जिनका नाम था जय प्रकाश मल्ला, जो हर रात माँ तालेजू जो माँ दुर्गा की रूप है दोनों साथ में त्रिपाशा का गेम खेलते थे। माँ तालेजू का शर्त था राजा से कि किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हर रोज आती हूँ गेम खेलने के लिए, क्योंकि वो एक भगवान थी। माँ तालेजू इंसान के रूप में हर रात राजा से ये गेम खेलने आती थी। एक दिन राजा की वाइफ माँ तालेजू और राजा को एक साथ देख लेती है गेम खेलते हुए। तभी माँ तालेजू नाराज होकर गायब हो जाती है और फिर दोबारा कभी नहीं आती और राजा उनसे फिर से मिलना चाहते थे। फिर राजा ने काफ़ी प्रार्थना किया और माफ़ी भी मांगा। फिर माँ तालेजू राजा के सपने में आके बोलती हैं, मैं तुम्हें मेवाड़ी कम्युनिटी के किसी एक लड़की में मिलूंगी हमेशा। तभी से एक कुमारी चुना जाता है मेवाड़ी कम्युनिटी से और उन्हें पूजा जाता है। 3 से 5 साल की बच्ची को कुमारी देवी के लिए चुना जाता है। कुमारी देवी को अपनी फैमिली को त्यागना पड़ता है और इस छोटी सी उम्र में उन्हें खेलकूद से भी दूर होना पड़ता है। जब तक वो कुमारी रहेंगी उन्हें लोगों से बात करना छोड़ना होता है। कुमारी देवी किसी से भी बात नहीं कर सकती जब तक वो कुमारी देवी के रूप में है। जब कुमारी 13 या 14 साल की होती है और उन्हें पहला पीरियड आता है तब उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है 3 या 5 साल की नई कुमारी से। कुमारी वही बच्ची बन सकती है जो बिल्कुल निडर हो, जिसके शरीर में कोई भी दाग धब्बा ना हो। एक कुमारी को चुनना उतना आसान नहीं होता है जितना आपको लगता है, क्योंकि एक कुमारी को बहुत से परीक्षाओं से गुजरना होता है। कोई भी कुमारी का माँ तालेजू से 32 गुण मिलना चाहिए तभी वो आगे टेस्ट देने लायक होती हैं। द मेन द सिलेक्शन प्रोसेस इज काइंड ऑफ वेरी सीक्रेटिव बिकॉज़ यू नो योर टैंट्रिक
basis they follow this tantric tradition where select girl child who like has all 32 lakshan, we say that there are 32 bhattis lakshan, yeah? And she has to fulfill all those criteria. सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब दुर्गा पूजा आता है। माँ काली को 108 भैंसों और बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है। उस रात कुमारी को एक प्लेस में छोड़ दिया जाता है जहाँ 108 भैंसों और बकरियों की बलियाँ होती हैं। उस प्लेस में कुमारी को बिना डरे चलना होता है और एक रूम में कुमारी को छोड़ दिया जाता है जहाँ कुमारी को रात भर रहना होता है 108 कटे हुए भैंसों के सर के साथ। यदि वो इस परीक्षा को पास कर जाती हैं तो वो तैयार हो जाती हैं कुमारी बनने के लिए, और अगर नहीं कर पाती तो दूसरी कुमारी का चयन होता है। Only few days she's allowed to, you know, come outside, and she's not allowed to step, you know, like barefoot. She's not allowed to walk on the ground, and there are various rules that she needs to follow. And it said that whenever we go to visit her, and her expressions like predict the future of the whoever's devotee, like yeah, she predict our future. Like she, her expressions kind of, you know, tells a lot about, like smiling. Yeah, she, like that is, that's why they, a lot of things that they, they like, they observe the expressions and how she behaves when a particular devotee is kind of visiting her. Yeah. यूँ तो नेपाल में बहुत सी कुमारी है, लेकिन सबसे बड़ी कुमारी काठमांडू के सबसे बड़े महल में रहती है। उन्हें रॉयल कुमारी बोला जाता है। कुमारी को अपने पैरों से चलने का इजाजत नहीं होता है। कुमारी के साथ हर वक्त केयर टेकर रहती हैं जो उन्हें यहाँ वहाँ ले जाती हैं उठा के, उन्हें चलने नहीं देती। कुमारी के केयर टेकर उन्हें नहलाते हैं, बाल बनाते हैं और उनको कपड़ा पहनाते हैं। केयर टेकर एक पेड़ पे खड़े रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। उनको कब खाना है, कब पीना है, उनका सारा देख रेख केयर टेकर करते हैं। और कुमारी सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकती हैं और अपने केयर टेकर से, और बाकी किसी से भी बात नहीं कर सकती। कुमारी के चेहरे का एक्सप्रेशन हमेशा सीरियस होता है। लोगों का ऐसा मानना है अगर कुमारी सीरियस रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा, यदि वो रो पड़ी तो बहुत गलत होने वाला है, या वो अपने बड़े आँख करके स्माइल की तो किसी की मौत होने वाली है। कुमारी देवी का जो एंट्री चार्ज है 500 रुपया है, इंडियन को भी 500 रुपया लगेगा, फॉरनर को हो सकता है कुछ ज़्यादा लगेगा, बट इंडियन को 500 रुपया और लोकल लोग को 400 रुपया। तो ये थी कुमारी की एक सच्ची कहानी। देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ अपने छोटे भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना, और जहाँ पे मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर सही कर देना। इस वीडियो में 10 फर्स्ट कमेंट आएगा, मैं उसे अपने इंस्टाग्राम में मेंशन करूँगा, तो कमेंट ज़रूर से करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा हिला देना ताकि हम ऐसे ही कनेक्टेड रहें।